एक गीत भैया फिल्मी दुनिया वालों ने दिया। अरे कोयलिया गाती है, छनकाती है सर्द हवा जब आती है, स्विच होके जाती है। सर्द हवा जब आती है स्विच होके जाती है, तो नदिया का पानी जब छुआ तो आके न पूछो क्या हुआ। अरे नदिया का पानी जब छुआ तो आगे न पूछो क्या हुआ। नदिया के पानी ने छुआ आगे न पूछो क्या हुआ। फिल्म वालों ने कहा, एक बात कहना चाहता हूं, दो लोगों में विवाद हो जाए, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो या मित्रता में कोई विवाद हो जाए, और तीसरा कोई आ जाता है तो उसकी क्या हालत है आप सब। जय हो जय हो। अरे दो के बीच कोई आता है, आता है या कोई उसे बुलाता है, बुलाता है किसी को बुला लिया जाए समझौता कराने के लिए, किसी को बुला लिया जाए मध्यस्थता करने के लिए, तब तब अरे प्रेम में वो बंध जाता है कि प्रेम में वो बंध जाता है, अरे घुन की तरह पिस जाता है, वो प्रेम में बंध जाता है। अगर सही बोले तो एक से दुश्मनी, अब अगर गलत बोले तो अगले से दुश्मनी, वो फंस जाता है बेचारा। तो कहना हुआ क्या, क्या? अरे प्रेम में वो बंध जाता है, खुद की तरह पिस जाता है, तो चेहरे की बिगड़ती है दशा, तो दो के बीच की सरा फंसा। क्या बात, बहुत सुंदर। प्रेम में वो बंध जाता है, उनकी तरह पिस जाता है, और चेहरे की बिगड़ती है दशा, तो के बीच तीसरा फंसे हैं। और इधर उधर की बात नहीं, केवल पात्र एक ही ले रहा हूं, पात्र तो कई हैं, लेकिन केवल एक ही पात्र ले रहा हूं। बहन जी इस पर विशेष गौर कीजिएगा। जय हो।
असुर और देवता। देवता और राक्षस दोनों के मन में एक इच्छा थी, एक आस जगी थी। क्या क्या? अरे सुधारस के पान की लगी ऐसी प्यास है, अमृत को पाने की प्यास लगी थी। और हुआ क्या क्या? अरे पर्वत बनाक भी लाए गए खास है, लाए तो गए कई लोग, नीचे कछुआ लगाया गया, उसके बाद मंदरांचल पर्वत को रखा गया, उसके बाद क्या हुआ सुने आप? अरे पर्वत वनाग भी लाए गए खास है, अरे मंथन हो चीर का वो करते प्रयास। एक बेचारा विशेष रूप से फंस गया, वो कौन है सुने आप? बाग था जो काला, वासुकी नाग था जो काला, रसरी जी से बना डाला। जय हो। थे तो मंदरांचल भी, थे कछुआ भी, लेकिन विशेष जोर तो नाग वासुकी पर ही दिया गया। पाश की नाग था जो काला, नसरी जी से बना डाला। तो मथा सागर तो बिगड़ी है दशा, किसकी? किसकी? नाग वासुकी की। एक तरफ से खींच रहे हैं राक्षस, दूसरी तरफ से देवता। बताओ उस बेचारी की क्या स्थिति रही होगी? जय हो। तो कहना हुआ क्या? अरे नाग वासुकी जो काला, रसरी जी से बना डाला। तो मथा सागर तो बिगड़ी है दशा, तो दो के बीच तीसरा फंसा, दो के बीच तीसरा फंसा, दो के बीच तीसरा फंसा। एक बात नागवास की, एक घटना और सुने आप। एक बार माता भवानी ने सोचा भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करूं मैं, तब भी एक फंस गया। कौन कौन? अर सर्पों से महाकुमार सजाती विशेष है, को और सब लोग जानते हैं, लेकिन कीर्तन में एक विशेष विधि लाई गई है। क्या क्या? अर सजने संवरने में बचा हाथ शेष है, हर जगह तो सजा दिया गया, लेकिन हाथ अकेले बच गया। जब हाथ बच गया तब अर सजने को हाथ में लाए गए शेष है, बनाया माँ भवानी ने, माँ उमा ने,
और उनकी पूंछ बार बार लटक जाए, बार बार लटक जाए, तो माँ उमा ने किया क्या कि पूंछ को पकड़ के फंसा के उसमें खींच के कस दिया। और जब खींच के कस दिया तो शेष के नेत्रों से दो बूंद अश्रु निकले तो दो कन्याओं का जन्म हुआ। एक का नाम था सुनैना और एक का नाम था सुलोचना। लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मतलब विशेष यहाँ क्या है सुनिए। अर सजने को हाथ में लाए गए शेष हैं तो कंगन उन्हें बना डाला, खींच के जब बांध दिया तो कंगन उन्हें बना डाला, हाल बुरा है कर डाला तो बने कंगना तो हुई और भगवान भोलेनाथ के चक्कर में फंस गया। तो कहना हुआ कि बने कंगना तो हुई दुर्दशा तो कभी चिती सरा और घटित हुई। विशेष बात बहन जी इसमें है कि पात्र केवल एक ही है, पात्र बदल नहीं रहे हैं। पात्र केवल सर्प को ही लिया गया है। जय हो जय हो। शिव से मिली शिवा ले मन में उमंग है। अर्धनारेश्वर का जब रूप बना भगवान भोलेनाथ का, तब अरे शिव से मिली शिवा ले मन में उमंग है, आधे में मां शिवा आधे शिव संग है, आधे में भगवान भोलेनाथ और आधे में मां भवानी। एक एक और रूप मिलता है किसका, हरिहर। कहना हुआ क्या, अरे हर से मिले हरी के हर से मिले हरी सुख सुखद आधे अंग है, और आधे आधे अंग में आधे में भुजंग है। तो रूप मनोहर है अर्धनारेश्वर, आप देखे होंगे सर्प का फन तो दिख रहा है लेकिन पूंछ नहीं दिख रही है। दिख रही है नहीं दिख रही है? अर्धनारेश्वर की जब फोटो आप देखेंगे तो सर्प का फन तो दिख रहा है लेकिन पूंछ नहीं दिख रही है, गायब हो गई। तो कहना हुआ क्या, रूप मनोहर है आला, शिव का सर्प करता काला, शिव का सर्प है फंसा आला के कहीं जाए न दिन कर दशा तो के बीच तीसरा मीठी मीठी प्यास है।
नदिया के पानी ने चुआ चेहरे की बदलती है दशा दो के बीच तीसरा फंसा फंसा बेटे फंसा दो के बीच तीसरा फंसा आज फंस गया बेटे आपके गीत में जहां जहां दो के बीच में तीसरा आया उसकी बिगड़ी दशा दो के बीच तीसरा फंसा हमको भी ऐसा ही कुछ लाना पड़ेगा और भैया सुशील दिनकर जी देखिए कहाँ कौन कौन फंसा अहिल्या को छलने को चले देवराज है तीसरा कहां मिल रहा है अहिल्या जैसी नारी को छलने के लिए इंद्र तो जा ही रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ चंद्रमा भी मुर्गा बनकर बांग मार रहा है और बस बात वहीं से आ रही है अहिल्या को छलने को चले देवराज है और गौतम का वेश धर के सिद्ध करते काज है से अपनी वो आते न बाज है तो बन करके मुर्गा साथ गए शशि राज है ये शशि राज कमल राय बरेली वाले नहीं वो नहीं शशि माने मुर्गा चंद्रमा बनकर गए मुर्गा ये बात तो तब गौतम जी आते हैं अहिल्या को छलने के लिए उन दोनों ने अपनी तिकड़मी भिड़ाई मुर्गा बनकर समय से पहले चंद्रमा ने बांग मारी और इधर इंद्र अहिल्या के पति यानी गौतम का रूप बनाकर उनके पास लेट गए गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो गया है मुझे गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए और जब वो गंगा के तट पर पहुंचे तो गंगा माँ ने कहा गौतम अभी समय नहीं हुआ तुम पहले चले आए अरे तुम्हारे यहाँ कोई छल कर रहा है जाकर देखो तो जब वहां पहुंचे गौतम ऋषि वहां पहुंचे तो लिखना पड़ा तब गौतम जी आते हैं अपना कोप दिखाते हैं तब गौतम जी आते हैं अपना कोप दिखाते हैं और श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने अहिल्या को कि जा पत्थर की मूर्ति बन जा मेरी पंक्ति कह रही है उस चंद्रमा ने ये बीज बोया दो के बीच में तीसरा बनकर आया तो लिखना पड़ा कि शाप दे के शिकंजा है कसा दो के बीच तीसरा तीसरा फंसा अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दे दिया और चंद्रमा को मृगशाला से इतना मारा कि उसके शरीर पर दाग ही दाग पड़ गए इसीलिए लोग कहते हैं चंद्रमा में दाग है विपदा में पड़ जाता है छोटा
ऐसा होता है वैसा होता है, मैं कह रही हूं दो के बीच में जो आता है, आता है वो मूरख कहलाता है, कहलाता है, विपदा में पड़ जाता है, शूली पे चढ़ जाता है, और ऐसा हाल हो जाता है मानो किसी सर्प ने डसा। पहले दो के बीच तीसरा कौन फंसा, कौन? आप दूसरी जगह देखें, समझिए। चंद्रमा ने, अब देखिए मेरी तरफ भी पात्र एक ही है, सुशील भैया मेरे जवाब में पात्र एक ही है चंद्रमा, दो के बीच में तीसरा वहां फंसा, और अब यहाँ अपनी गुरु माता यानी अपनी गुरु पत्नी तारा का जब हरण किया तब भी चंद्रमा के लिए लिखना पड़ा। संकट का अपने स्वयं वरण कर लिया है, संकट का अपने तब वरण कर लिया है, गुरुवर की पत्नी का जब हरण कर लिया है, तो देवों के द्वारा वो अपमान पाते हैं, कई काम ग्रंथों में चंद्रमा के आते हैं। चंद्रमा को कलंक मिला, तो तब कलंक लग जाता है। गुरु माता वो माँ के समान होती है, गुरु की पत्नी का हरण कर रहा है, तब कलंक लग जाता है, करनी का फल पाता है, सारा जग उस पे है हंसा। तो के बीच तीसरा पात्र नहीं बदलेगा, पात्र चंद्रमा ही रहेगा। आपने भोलेनाथ की बात की है भैया सुशील जी, सुनिए। रूप अर्ध नारेश्वर का होता साकार है, शिव और शक्ति की लीला अपार है। भोलेनाथ भवानी का एक रूप अर्ध नारेश्वर, समझता नहीं है। नारी व नर का मिला आधा आधा रूप है, लेकिन वो रूप एक दूजे के अनुरूप है। अब इस रूप में अर्ध नारीश्वर अवतार में यही चंद्रमा, आधे में देखिए माता है, आधे में भोलेनाथ है, और उसकी स्थिति ऐसी है कि वो चंद्रमा व्याकुल तब हो जाता है, व्याकुल तब हो जाता है, बीच में वो दब जाता है, बीच में दबा है, दबा है बेटे, आधे इधर है आधे उधर, बीच में वो फंसा पड़ा है, समझते रहिए। व्याकुल वो हो जाता है, बीच में तब दब जाता है, तो धूमिल हुई है लालसा। तो के बीच तीसरा फंसा।
आपके गीत का यथाशक्ति उत्तर। और क्या, तीन प्रसंग आपने दिए हैं, तीन जगह मैंने भी बताने का प्रयास किया। क्या दो के भी तीसरा फंस गया, वहाँ फंसा यहाँ भी फंसा।